इतनी हिंसा है इस देश में, हिंसा तो होने वाली। जिस बच्चे को बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, माँ की गर्म गोद का जिसको एहसास नहीं, बाप के स्पर्श का जिसको कोई अंदाजा नहीं, वो तो बड़े हो गए डाकू बने, डकैत बने, चोर बने, उचक्का बने, मिर्चा लपंगा बने, ये तो बिल्कुल संभव है। असंभव कहा है? बच्चे भाई बहन की पवित्रता नहीं जानते तो भाई बहन से बलात्कार कर लेता, बहन भाई से बलात्कार करवा देती, अमेरिका में ऐसा बहुत होता, ये तो बिल्कुल सामान्य हो गया है। अमेरिका में कई बच्चे तो जेल में इसीलिए बन गए कि अपनी माताओं से बलात्कार किया और हत्या कर दी। बच्चों आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका एक ऐसा देश है जहां दुनिया में पर कैपिटा सबसे ज्यादा पुलिस है, पर कैपिटा सबसे ज्यादा पुलिस है। वहां हमारे भारत में 10,000 लोगों पर एक पुलिस है, 10,000 हिंदुस्तानियों पर एक पुलिस है, अमेरिका में हर 100 व्यक्ति पर एक पुलिस है। तो इसका माने भारत से कई गुना ज्यादा पुलिस है, फिर भी अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम है, सबसे ज्यादा वायलेंस है। एक मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार दुनिया में अमेरिका में ही होते हैं, एक मिनट में सबसे ज्यादा छेड़खानी की घटना अमेरिका में होती है, एक मिनट में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक भी अमेरिका में ही आते हैं, और सबसे ज्यादा बीमार लोगों का समाज वही अमेरिका है। अमेरिका की सड़कें बहुत चिंतनी है, आपको मालूम है इतनी चिंतनी है कि सड़क पर गाड़ी चले तो पता नहीं चलता हम सड़क से चल रहे हैं या हवा में उड़ रहे हैं। फिर भी सबसे ज्यादा 30 दर्द के मरीज अमेरिका में ही पर कैपिटा, इतनी चिंतनी सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां दौड़ती हैं, फिर 30 का दर्द क्यों होता है? हम हिंदुस्तानियों के देश में होना तो सुलभ है क्योंकि यहां सड़क ही नहीं है, खड्डे ही खड्डे हैं, सड़क के बीच में खड्डे, खड्डे के बीच में सड़क, बार बार गाड़ी ऊपर नीचे होती है, हमको पीठ का दर्द हो तो समझ में आता है। वो इतनी जितनी सड़क पर दौड़ने वाले फिर भी पीठ के दर्द के मरीज है। तो अब वहां पे लोगों ने बोलना शुरू किया है डॉक्टरों ने कि भैया हमारे देश में 90% बीमारी साइकोसोमेटिक है, अब ये सत्य स्वीकार कर रहे हैं। साइकोसोमेटिक माने जीवन शैली में से उत्पन्न रोग। तो अब वो जीवन शैली बदले तो रोग ठीक हो, जीवन शैली बदल नहीं सकते क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति उनकी ऐसी है नहीं, तो वो तो बेचारे अभिशप्त है इसी में डूबने के लिए और मरने के लिए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप इसके लिए अभिशप्त नहीं, अगर आप इस देश में रहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, बिना दवा के जीवन शैली बदल दीजिए। ये अमेरिका और यूरोप वाली जो जीवन शैली है हमारी, सवेरे से लेकर शाम तक इसको बदल दीजिए, भारतीयता वाली जीवन शैली में आ जाइए, आपकी 90% बीमारियां ऐसे ही चली जाएंगी और 10% बीमारियां आपकी जो आप भारतीयता के इन मूल्यों को स्वीकार कर लें कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, अगर अपने लिए है तो वो पशु का जीवन है, परमार्थ के लिए ये जीवन है, तो बाकी 10% लोग इसी में से निकल जाएंगे। तो आप बोलेंगे हमें क्या करना है, सवेरे से शाम तक आप एक लिस्ट बनाइए अपनी जिंदगी में और देखिए कि कहां कहां आप भारतीय हैं और कहां यूरोपीय हैं। जहां जहां आप यूरोपीय हैं उसको बदल के भारतीय हो जाइए, आप ही को देंगे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो कहां से शुरू करें, सवेरे सोकर उठने से शुरू करें। सोकर जब आप उठते हैं तो भारतीय हैं या यूरोपीय हैं देखिए, अगर आप सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं तो आप भारतीय हैं, सूर्य निकलने के बाद उठे तो आप भारतीय नहीं हो, तो उठना सुबह जल्दी कर दीजिए, यहां से शुरू हो जाएगा। जल्दी सुबह उठ जाइए, सूर्य निकलने से पहले तो जरूर उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त इस देश में सबसे अच्छा माना जाता है, जो सुबह 3:30-4 बजे शुरू हो जाता है, 3:30-4 पर नहीं उठ सकते तो सूरज निकलने से 10-15 मिनट पहले उठ जाइए, इतना तो कर सकते। और उसमें उठने के बाद आपका जो आसन है, प्राणायाम है, योग है, ध्यान है, समाधि है, जो करना है सब करिए, क्योंकि सुबह से अच्छा कोई समय नहीं। ये भारत के शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने हजारों लाखों साल के परीक्षण के बाद लिखा कि सुबह से अच्छा कोई समय नहीं है। तो सुबह के समय में सब अच्छे काम करिए, जितने अच्छे से अच्छे, योग करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, समाधि में जाना है, जो करना है वो सुबह करिए, और ये सब करने के बाद अपना जीवन शुरू करिए, यहां से शुरू करिए। फिर आगे जो है थोड़ा, आप नाश्ता करने के लिए है तैयार हो रहे हैं, स्नान सुबह कर लीजिए, क्योंकि भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में सुबह का समय ही स्नान के लिए सर्वोत्तम है।
तो स्नान को नहीं कर रही है। और स्नान के लिए ध्यान रखिए, बाणवत ऋषि का एक सूत्र है, बाणवत तो बहुत महान व्यक्ति हुए, हम शायद और कम लोग जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि प्रचार कम हुआ उनके बारे में। चरकोच और उन्हीं की कैटेगरी के थे बाणवत। आयुर्वेद में तीन महान ऋषि माने जाते हैं, चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट। वैसे तो और भी हुए, भाव प्रकाश थे, निघंटू थे, आदि बहुत थे, लेकिन इनको सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे हम देवी देवताओं को मानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे यह है चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट। बाणभट्ट का सूत्र है, संस्कृत में है, मैं लंबा नहीं करना चाहता, सीधे शॉर्ट में बताता हूँ कि स्नान करना है तो सुबह ही करिए और ठंडे पानी से करिए, गर्म पानी से कभी भी मत नहाइए। और चरण ने बाणभट्ट ने ये कहा है कि ठंडे पानी से स्नान इसीलिए करना है कि हमारी जो प्रकृति है और पर्यावरण वातावरण है वो गर्म पानी के अनुकूल नहीं है नहाने में। गर्म पानी से नहाना सिर्फ उनके लिए है जो कोई गंभीर और बीमार है, रोग से पीड़ित, बहुत गंभीर कोई रोग है आपको तो गर्म पानी से नहाने की छूट है, अन्यथा अगर आप स्वस्थ हैं और जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ठंडे पानी से नहाइए। और जैसे आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो शरीर खुद उसको बैलेंस कर लेता है, शरीर में जैसे ही ठंडक आएगी ना उसको गर्म करने के लिए शरीर में हाइपोथैलेमस अपने आप सक्रिय हो जाता है और उसकी क्रिया अपने आप आपको थोड़ी देर में नॉर्मल कर देगी, बैलेंस कर देगी। गंगा जी में नहाते हैं गर्म पानी को, अभी कुंभ चल रहा है ना इलाहाबाद में, सब ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं और सुना है कि वो सब बीमार हो जाते हैं, जो भी कुंभ नहाने जाते हैं सब बुखार लेके आते हैं। मैंने तो ये सुना कि बुखार लेके गए और कुंभ नहा के लौटे तो ठीक हो गए। एक स्वामी शिवानंद थे, अब जीवित नहीं है, योग के बहुत महान मैंने विद्वान व्यक्ति थे, उनका आश्रम, उनके यहाँ मेरे पिताजी जाया करते थे, मेरी माताजी पिताजी उनको अपना गुरु मानते रहे। तो मेरे पिताजी माताजी ने बताया कि स्वामी जी के यहाँ बहुत बार ऐसे लोग आते थे जिनको बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा, तो स्वामी जी कहते थे जाओ गंगा में डुबकी लगा के, तो बेचारे परेशान हो जाते थे, तो गंगा और वो भी ऋषिकेश की गंगा, यहाँ भी नहीं कानपुर इलाहाबाद की गंगा, ऋषिकेश की गंगा, पानी डालो तो शुद्ध हो जाता है। तो स्वामी जी कहते थे डुबकी लगा के आओ, एक नहीं तीन लगा के आना। और फिर माता पिता बताते हैं कि जिनको भी भेजा गंगा में डुबकी लगाने, लौट के आए तो बुखार नहीं, सर्दी है, जुकाम नहीं। तो स्वामी जी ने पूछते स्वामी जी ये क्या चमत्कार है, तो स्वामी जी कहते कुछ चमत्कार नहीं है, ये गंगा का पानी उतना ही वैज्ञानिक है जितना कि विज्ञान में कोई दूसरा सत्य है, ये शरीर को अपना ही बैलेंस बना लेता। तो यहाँ ठंडे पानी से नहाने का रिवाज है, इसलिए गंगा में डुबकी लगाना, त्रिवेणी में डुबकी लगाना है। अगर वो ठंडे पानी से नहीं नहाना होता तो कोई आयुर्वेद चिकित्सक ये नहीं बोलता आपको कि गंगा में नहाओ, वो कहते घर में नहाओ, गंगा का पानी ले आओ, गर्म करो फिर नहाओ। नहाना ठंडे पानी से ही, पीना गर्म पानी, नहाना ठंडे पानी से। भारत का जो नियम है वो ठंडे से नहाना, गर्म पानी पीना, यूरोप में उल्टा है, ठंडा पानी पीना, गर्म से नहाना। आपको मालूम है यूरोप और अमेरिका में सब लोग ठंडा पानी पीते हैं, इतना ठंडा पानी होता है कि फ्रिज में रखेंगे, ऊपर से बर्फ डालेंगे, चिल्ड वाटर फिर पिएंगे। फिर मैंने उसका परिणाम भी देखा, यूरोप में जितने लोग फ्रिज का चिल्ड वाटर पीते हैं सवेरे संडास घर में जब जाएंगे तो एक एक घंटे बाहर ही नहीं आएंगे, अंदर ही बैठे रहते। पूछे भैया एक घंटे क्या कर रहे थे टॉयलेट रूम में, तो कहते न्यूज पेपर पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे न्यूज पेपर, पेट साफ नहीं होता, संडास नहीं हो सकते, खूब जोर लगाते फिर भी नहीं हो सकते, बेचारे कभी कभी गाना भी गाते मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, फिर भी नहीं आती। और कुछ लोग तो इतने त्रस्त होते हैं कि कमोर पे बैठने कहते एक बार आ जा आ जा आ जा, मैक्सिमम यूरोप और अमेरिका के लोगों को मैंने देखा उनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, और इतनी कब्जियत है कि दो दो दिन पेट साफ नहीं होता, तीन तीन दिन नहीं होता, और उसका कारण है चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी पीते, बर्फ डाला फ्रिज में रखा हुआ। भारत में इसका उल्टा है, पानी पीने को हल्का गर्म और नहाने को ठंडा। तो सवेरे उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, फिर उसके बाद पीजिए पानी, तो पानी हल्का गुनगुना करके पीजिए, और पानी नहाने के लिए तो ठंडा रखिए, पीने के लिए हमेशा गुनगुना रखिए।
फिर आगे चले नाश्ते की बात आती है तो अपने भारत देश में और यूरोप में थोड़ा अंतर है। मैंने आपसे फिर कहा कि वहां का पर्यावरण हमारे से बिल्कुल अलग है, यहां जो नाश्ता करना है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए हैवी भारत में, क्योंकि यहां जो अग्नि है ना पेट की जठराग्नि, इसका संबंध सूर्य का था। तो सूर्य जैसे ही सुबह उठता है अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो उस समय आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आपको एक सूत्र में समझाता हूं याद रखने के लिए कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह से करिए, भर पेट करें, जितना खा सकते हैं सुबह खा लीजिए, और दोपहर का खाना उससे कुछ कम करिए, और शाम का बिल्कुल कम करिए। सुबह का खाना राजा की तरह से खाइए, दोपहर का साधारण नागरिक की तरह से, रात का भिखारी की तरह से खाइए। रात को कम से कम, दोपहर को मीडियम, और सुबह सबसे ज्यादा। माने आपका ब्रेकफास्ट हैवीएस्ट, लंच मीडियम और डिनर लाइट, ये परंपरा है भारत की, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण सूर्य से हमारा जठर का संबंध है। सूर्य जब तक है खाना अच्छा पचेगा, जब सूर्य नहीं है शाम को तो खाना कम खाइए या बिल्कुल मत खाइए, तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा और आगे करें, खाना खाए तो भारत की पद्धति और परंपरा से खाइए, जमीन पर बैठकर आसन की स्थिति में, जो सुख आसन है ये सबसे अच्छा आसन है। यूरोप वाले डाइनिंग टेबल पे खाते हैं क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी उनकी क्या है कि उनके ये पैर के जो घुटने हैं और कमर, ये सभी ज्वाइंट्स है ना, ये बहुत कड़क है, क्योंकि ठंड में रहते हैं ना। आप एक छोटा एक्सपेरिमेंट करिए, मैंने किया था एक बार, मैंने बर्फ की सिल्लियां लगा दी चारों तरफ और उसके अंदर लेट गया, और थोड़ी देर के बाद में उठा तो सब कुछ अकड़ गया था मेरा। तो मैंने कल्पना कर ली कि ये यूरोप वाले बेचारे चारों तरफ बर्फ से घिरे 8 महीने ऐसे ही रहते, तो सब कुछ कड़क है उनका, ज्वाइंट सब कड़क है, तो अगर ज्वाइंट कड़क होंगे तो आसानी से फोल्ड नहीं होंगे, तो इसलिए वो ज्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं। आप यूरोप में किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, अमेरिका की किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, लोग खड़े होकर ही काम करते हैं, बैठ के कोई काम नहीं करता, काम सब खड़े होकर काम करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन कर नहीं सकते बैठ के, बहुत कड़क है ज्वाइंट, बार बार बैठना उठना उनके लिए संभव नहीं है, तो दिन भर खड़े रहते हैं। हमारे लिए जो नहीं, हमारे ज्वाइंट्स तो बहुत ही सॉफ्ट है, हमारे सब कुछ सॉफ्ट है, स्किन भी सॉफ्ट है, ज्वाइंट्स भी सॉफ्ट है, गम्स भी सॉफ्ट है। हिंदुस्तान के हर आदमी की हड्डियां यूरोप की तुलना में बहुत सॉफ्ट है, तो हर सॉफ्ट है, तो बार बार उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो उठना बैठना चालू रहे, तो बैठ के खाना खाना भी आलती पालती मार के तो अच्छे से आप करें, तो जमीन पे खाना खाइए, डाइनिंग टेबल लगा दीजिए, बहुत कॉस्टली है, हाँ दोनों हिसाब से, बीमारी के हिसाब से भी और खरीदा है आपने उसके हिसाब से। आप घर के जितने बड़े इलाके में डाइनिंग टेबल रखते हैं, ये इलाका कम से कम 20 स्क्वायर फीट तो होगा या 25 स्क्वायर फीट तो होगा, 1 स्क्वायर फीट जमीन कितने की है भैया, 500, तो 25 स्क्वायर फीट 25 में 500 का बड़ा मतलब 7,500 रुपए का खर्चा, मैंने इनकम आपने ब्लॉक की हुई है हर दिन की, घेर के रखा है उसको, इतना काम नहीं आ रही है भोजन, क्या पूछता है, हटा दीजिए डाइनिंग टेबल, आप ये क्या है बेच दीजिए कमाई को, कुछ तो आ जाएंगे उसके, हाथ पैर निकाल के बेच देना उसको, आपको तो जमीन पर बैठ के खाना है, क्या जरूरत है डाइनिंग टेबल, तो जमीन पर बैठ के खाना खाइए, सिर्फ जमीन पर बैठ के ही पानी पीजिए और जमीन पर लेटिए। इस देश में ये 3 चीजों के बारे में बार बार कहा गया, जमीन पे खाना है, जमीन पे ही पानी पीना है, जमीन पे ही सोना है, बैठ के सोना भी अच्छा नहीं। तो धीरे धीरे हम यूरोप से भारतीयता में आना शुरू कर रहे हैं, और आप देखेंगे आपकी बीमारियां चुपचाप शरीर से विदा होना शुरू हो जाए, और इसके लिए हमारे देश में सबसे अच्छा शास्त्र कोई है, जो मैं कुछ बोल रहा हूं ना ये मेरी अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत ऋषि की लिखी हुई बातें बोल रहा हूं, बस इतना ही अंतर है कि उन्होंने सब कुछ संस्कृत में कहा, मैं आपको सीधे हिंदी करके बता रहा हूं। भागवत ऋषि ने 2 किताबें लिखी हैं, मौका मिले जरूर पढ़िए, आपकी जिंदगी में 2 पढ़ने लायक किताबें मैं बता रहा हूं, रामायण पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं पढ़ सकते तो ये भागवत की जरूर पढ़ लीजिए, रामायण पढ़े न पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम आपके हृदय में है, महाभारत पढ़े न पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, भागवत ऋषि की 2 किताबें जरूर पढ़िए, एक का नाम है अष्टांग हृदय और दूसरी है अष्टांग संग्रह,
अशांत हृदय और अशांत संग्रह मैंने मेरी जिंदगी में सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, अलग अलग तरह की, इंजीनियरिंग की पढ़ी है, साइंस की, फिजिक्स की, बेसिक फिजिक्स की, लेकिन मेरी मान्यता है जितनी अच्छी ये दो किताबें हैं शायद दुनिया में कोई नहीं। ये मिलती है बाजार में, अष्टांग हृदय भी मिलती है, अष्टांग संग्रह भी मिलती है, भागवत इसके लेखक है, इनके सूत्र हैं छोटे 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 छोटे, इनका आप पालन कर लीजिए। भागवत के सूत्रों को मैं आपको बता देता हूँ, पुस्तक जब आप पढ़े तब पढ़ लेना, 10-15 सूत्र बता देता हूँ, तो आपकी जीवन शैली में से स्वस्थ कैसे हो जाए, आप निरोगी कैसे हो जाए, रोग मुक्त कैसे हो जाए, ये इसमें से समझ में आ जाए। भागवत जी कहते हैं, खाना कभी भी खाएं जमीन पर खाइए, ये तो एक बात मैंने बता दी, पानी कभी भी पिए जमीन पर बैठ के पीजिए। खाना खाने के लिए वो बोलते हैं कि खाने के साथ पानी मत पीजिए, नेचुरोपैथी में भी यही सोचते हैं, खाने के कम से कम 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, तुरंत पानी मत पीजिए। कोई बहुत इमरजेंसी हो तो उसके लिए सूत्र ये है कि एक धाने से दूसरे धाने के बीच में जो आप करते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, माने आप गेहूं की रोटी खा रहे थे ये एक धान्य, अब आप चावल खाना शुरू कर रहे हैं ये दूसरा धान्य, तो दोनों के बीच के जंक्शन पर थोड़ा एक घूंट पानी भी होगी बस। जैसे रोटी खाना पूरा हुआ अब आप चावल खाना शुरू कर रहे हैं तो एक घूंट पानी पी के फिर चावल खाना शुरू करिए, इतने की ही अनुमति है। और खाना खाना शुरू कर रहे हैं तो एक घूंट पानी पी के शुरू करिए, ये दूसरी अनुमति है। ये घर के होगा भर के पीना ये बहुत खतरनाक है, बस कीजिए। और इसका कारण सीधा सीधा सा ये है कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन होने के लिए अग्नि प्रदीप होती है, और अग्नि प्रदीप होगी और आप पानी पी लेंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, तो फिर खाने का पाचन नहीं होगा, तो खाना सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना सैकड़ों रोग पैदा करेगा। खाना पचना चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि आप पानी 1-1.5 घंटे बाद पिए। मैंने ये देखा है जानवर जितने हैं ना प्रकृति में, ये सब बाल भट्ट के चीले हैं, सब जानवर, गाय भैंस बकरी बकरा घोड़ा गधा कुत्ता सब बाल भट्ट के चीले। मैंने किसी भी जानवर को खाने के साथ पानी पीते नहीं देखा। गाय सवेरे खाना खाएगी भर के पानी दोपहर को पिए, भैंस सवेरे खाना खाएगी भर के पानी दोपहर को पिए, बकरी सवेरे खाएगी पानी दोपहर को पिएगी, चिड़िया पक्षी सब खाना सुबह खाएंगे भर के पानी सब दोपहर को पिएंगे। मनुष्य एक ऐसा मूर्ख प्राणी है जो खाने के साथ गटगट पिएगा और खाने के बाद तो लोटे पर लोटा पिएगा, बहुत खराब है। जब भैंस समझती है तो आप तो समझ जाइए, हमारे जानवरों में सबसे मूर्ख भैंस मानी जाती है, उसको भी भागवत का सूत्र समझता है, तो आज से समझ लीजिए, आज से इस नियम को पालन करिए। और मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि आज से आप ये शुरू कर लीजिए, आज से 3 दिन में आपको उसके असर दिख जाएंगे। क्या असर दिखेंगे? खाने के 1.5 घंटे बाद अगर आप पानी पी रहे हैं 1.5-2 घंटे बाद, सबसे पहले आपका ये एड़ी का दर्द चला जाएगा अगर है तो, सबसे पहले 3 दिन से 4-5 दिन के बाद आपके ये घुटने के दर्द में कमी आ जाएगी, 8-10 दिन के बाद कमर का दर्द कम हो जाएगा, 15 दिन के बाद एड़ी का दर्द और घुटने का दर्द चला ही जाए तो बहुत आश्चर्य मत करना आपको। 3-4 दिन अगर आपने ये किया तो पेट में गैस बनना बंद, खट्टी लगा आना बंद, मुंह में पानी आना बंद, अच्छी नींद आएगी, ये सब 3-4 दिन में शुरू हो जाएगा, आज से शुरू कर दीजिए। मैं ये काम सालों से कर रहा हूँ और इसका लाभ मुझे ये है कि कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी जाता भी हूँ तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है आपकी, कहीं बहुत सरल है। खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना, ये चरक सरल बाल भट्ट का सूत्र मेरा नहीं है। दूसरा सूत्र है वो नेचुरोपैथी में भी है और बाल भट्ट ने लिखा है उसको कि पानी कभी भी पीना हो तो घूट घूट भर के पीना, घर के गिट 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 पानी नहीं पीना, एक साथ एक लोटा पानी आपने उतार दिया मत करिए ये काम, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। चिड़िया कैसे पानी पीती है? एक एक ड्रॉप। तोता कैसे पानी पीता है? चाक चाक के। सभी पक्षी और जानवर पानी थोड़ा थोड़ा करके ही पीते हैं, तो आप भी पानी थोड़ा थोड़ा पीजिए। जो लार है उसके मुंह में लार बनती है ना, ये थोड़ा पानी पीने से ज्यादा अंदर जाएगा। और वैसे तो पानी पीने का सबसे अच्छा नियम है थोड़ा पानी मुंह में भरिए, इसको घुमाइए, फिर पीते जाए, फिर पीछे उतारिए,
तो थोड़ा थोड़ा पानी पिए, सिर्फ करके पानी पिए तो लार पर्याप्त अंदर जाएगी तो पाचन बहुत अच्छा होने वाला है। और इस लार के बारे में सभी विज्ञान वाले माने आयुर्विज्ञान वाले मानते हैं कि वात पित्त कफ तीनों को संतुलन रखने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो ये लार अंदर जाएगी, वात पित्त कफ संतुलन रहने वाला है तो बीमार नहीं पड़ेगा और जो बीमारी है तो ठीक होना शुरू हो जाए सिर्फ करके पानी। तीसरा नियम है पानी कभी भी पीजिए तो ठंडा मत पीजिए, मैं पहले ही बता चुका, हल्का गर्म पानी पीजिए। आप बोलेंगे जी गर्मी है तो भी अच्छा है हल्का गर्म पिए, नहीं तो घरे का पी सकते हैं फ्रिज और बर्फ का तो बिल्कुल। चौथा नियम है सुबह उठे तो पानी से शुरुआत करिए अपनी दिन की, सुबह उठने पर पानी से दिन की शुरुआत करिए, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, बीड़ी से नहीं, सिगरेट से नहीं, तम्बाकू से नहीं, पानी से शुरुआत करिए। पोते पानी पी लीजिए, पूषा पान कहा जाता है, ऐसा दिन तो बहुत अच्छा है, दो तीन गिलास पानी पी लीजिए सिर्फ सुप करके पी लीजिए तो बड़ी आप एकदम साफ रहेगी आप। और जिनकी बड़ी आप साफ रहती है छोटी आंख अपने आप साफ रहेगी तो शरीर एकदम स्वस्थ रहने वाला। आगे का एक नियम है वो मैंने पहले बता दिया, पानी हमेशा बैठ के पीजिए, खड़े होके मत पीजिए। खाना खाइए तो बैठ के खाइए, खड़े होके मत खाइए। खाना खाते समय चबा चबा के खाइए, जल्दी जल्दी मत खाइए, कम से कम उतनी बार चबाइए जितने आपके दांत हैं। तो आपको 32 दांत है तो 32 बार चबाइए, 30 है तो 30 बार चबाइए, 28 है तो 28 बार चबाइए। कोई ऐसा दांत ही नहीं है तो ऐसा खाना खाइए जिसको चबाना ना पड़े, जैसे खिचड़ी खाइए, हलवा खाइए, बासुंदी खाइए, बासुंदी माने या तो दूध पीजिए, या तो दही खाइए, या तो रखा, या तो कुछ ऐसी चीजें जिसको चबाना ना पड़े। बिना दांत वाले लोग ऐसा करें, दांत है तो चबाते खाए। और एक दो दिन आप गिरिए चबाते समय, तीन चार दिन के बाद आदत ही पड़ जाएगी, अपने आप दिमाग गिरेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उससे आगे का एक छोटा सा नियम है कि खाना खाते समय, ये नियम विशेष है, ये वास्तु से भी जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद में भी ये नियम है कि भोजन करते समय आपका मुंह अगर पूर्व की दिशा में है तो सबसे अच्छा, सूर्य की दिशा में सबसे अच्छा, नहीं तो बाकी तो ठीक है, मजबूरी में तो कुछ भी होता है, अच्छा तो यही है। फिर आगे का एक छोटा सा नियम है कि दोपहर को खाना खाया तो 20 मिनट के लिए विश्रांति लीजिए वाम कक्ष, वाम कक्ष वाले ये जो लेफ्ट साइड है ना इसमें ले जाइए 20 मिनट, और उस 20 मिनट में नींद ले जाए तो बहुत ही अच्छा। रात का नियम है कि खाना खाइए तो 2 घंटे तक मत सोइए, कम से कम 3 घंटे ही नहीं सो तो और भी अच्छा। दोपहर को खाते ही विश्रांति लेना है, रात को 2-3 घंटे तक सोना नहीं। फिर एक छोटा सा नियम है अगर कर सकें सब लोग कि खाने के तुरंत बाद थोड़ी देर अगर शाम को वज्रासन में बैठे तो बहुत अच्छा, पहले 10 ही मिनट बैठे लेकिन बहुत अच्छा, दोपहर को भी बैठ सकते। जो वाम कक्ष नहीं कर सकते उनको वज्रासन जरूर करना चाहिए दोपहर को। फिर आगे का एक नियम है कि आप जब भी विश्रांति लें तो फिर आपका हमेशा पूर्व में या दक्षिण में रखिए, आइदर ईस्ट और साउथ, नॉर्थ और वेस्ट में सिर करके कभी मत सोए, नहीं तो नींद कभी भी अच्छी नहीं आएगी। इसका संबंध है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, आपके ऊपर कम से कम बल लगे तो नींद अच्छी से अच्छी आती, तो ईस्ट में ही यह संभव है और साउथ में यह संभव है, नॉर्थ में संभव नहीं है और वेस्ट में नहीं। अब मैं बचपन में याद करता हूं कि मैंने बहुत सारे घरों में देखा किसी की मृत्यु हुई तो तुरंत उसका फिर उत्तर न करते हैं, जीवित रहने पर उत्तर नहीं चलता, मरने के बाद ही उत्तर में किया जाता है, इसलिए उत्तर न चल करके कभी मत सोइए। मृत्यु की दिशा माने जल्दी मृत्यु आई, दीर्घ जीवन जीना है तो ईस्ट में और साउथ में। और एक बहुत अच्छा सूत्र है भागवत का, संस्कृत में है, सीधे हिंदी बताता हूं। भागवत जी कहते हैं कि ऐसे भोजन को कभी मत खाइए जिस पर सूर्य के प्रकाश का और पवन का स्पर्श ना हुआ हो। सूर्य का प्रकाश, पवन का स्पर्श जिस भोजन को नहीं हुआ वो कभी मत खाइए। भट्ट ने ये बात हजारों साल पहले कही और आज की शताब्दी में ये बिल्कुल सटीक दिखाई देती। सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ ऐसा एक ही भोजन होता है जो फ्रिज में रखा हो है कि नहीं? फ्रिज में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता,
रेडियो पवन में नहीं घुस सकती। ये भोजन मत खाइए, खतरनाक। ये बाल भट्ट ने हजारों साल पहले कहा था, सब प्लेट नहीं था, लेकिन शायद उनको यह अंदाजा रहा होगा कि एक दिन ये दुनिया मूर्खता करेगी और ऐसा कुछ चीज बनाएगी मशीन जो लोगों को बीमार करेगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि सूर्य प्रकाश और पवन स्पर्श जिसको नहीं हुआ ऐसा भोजन मत करिए, मानी फ्रिज का खाना मत खाइए, ताजा ताजा बनाया हुआ खाना खाइए। फ्रिज मैंने बताया यूरोप के लिए मजबूरी है, हमारे लिए स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता। हम ताजा खाना बनाते हैं, रोज सुबह खाते हैं, फिर शाम को भी खाते हैं। और खाने का तो नियम यह है कि एक घंटे के अंदर बनाते खा लेना बहुत अच्छा है। खाना बनाया और एक घंटे में खा लेना ही सबसे अच्छा है। फ्रिज में रख के शाम को खाना, फिर शाम का अगले दिन खाना, फिर सुबह का दूसरे शाम को खाना, ये महामूर्खता है। ये आप खुद बीमारी की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे बालभट्ट ऋषि के 2000 नियम मैंने आपको 10 सारे बताए, 2000 में बता सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत समय जाएगा, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो ये 10-12 नियम मैंने बता के आपको कहा कि आप इनसे शुरू करिए, अगर आपको मजा आए तो आगे 2000 नियम बताने आऊंगा, इसका मैं आपको विश्वास दिला। लेकिन उसके लिए आपको जैसे राम कथा होती है ना, ऐसे स्वास्थ्य कथा करानी पड़ेगी। हाँ, मैंने एक बार ये बोला है बहुत पहले, स्वास्थ्य कथा में उसमें 40 घंटे लगते हैं, सब 2000 सूत्र समझ में आते हैं। तो 40 घंटे कब होंगे, रोज 3 घंटे सुनो तो 12 दिन चाहिए, 12 दिन चाहिए, 13 दिन चाहिए, तो इतने दिन में राम कथा होती है। तो कभी आप कह करो भिलाई वाले कि हम स्वास्थ्य कथा कहेंगे, राम कथा बहुत हो गई, कृष्ण कथा भी हो गई, कोई राम नहीं हो रहा है, कोई कृष्ण भी नहीं। हाँ, सालों साल से हम सुन रहे हैं राम की कथा, सालों साल से सुन रहे हैं कृष्ण की कथा, एक राम नहीं निकलता, एक कृष्ण नहीं निकलता, रावण और कल्पों की संख्या बढ़ती जा रही है, रावण बहुत रुक रहे हैं, कल्प बहुत। तो मैं आप लोगों को विनती करता हूँ कि भाई स्वास्थ्य कथा कहना शुरू कर, तो कम से कम हम अपने लिए तो कुछ कर पाएंगे, अपना जीवन सुखी बनाएंगे, अपना जीवन निरोगी बनाएंगे, और शायद इतनी जरूरत है देश को, इसलिए रामदेव जी ने कहना शुरू किया स्वास्थ्य कथाई जो है। और लोग सवेरे सवेरे 4 बजे सब छोड़ छाड़ कर पहुंच जाते हैं स्वामी जी के पास, और स्वामी जी बोले पैर ऊपर कर लो तो ऊपर, सिर नीचे कर लो तो नीचे, 100 करोड़ रुपए का मालिक, 200 करोड़ रुपए का मालिक स्वामी जी के कहने से सिर नीचे कर रहा है, पांव ऊपर कर रहा है, स्वामी जी कहते हैं कैसे करते नीचे नहीं गिराना, ऊपर जो आदमी कभी 8 बजे पहले सोकर नहीं उठा वो रामदेव जी के यहाँ सवेरे 4 बजे पहुंच जाता है, घाटिया नाइन से लगाता है, कारण क्या है, शायद उसकी जरूरत है उसको, इसलिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वास्थ्य कथा आज कही जाए इस देश में तो शायद ज्यादा इसमें से अच्छे परिणाम निकलेंगे, कम से कम एक परिणाम अच्छा निकलेगा, सब निरोगी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, तो उनका लाखों करोड़ों का खर्चा बचेगा और देश की उत्पादकता बढ़ेगी और समाज थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो आपको ये विषय में अगर रुचि हो तो कभी दोबारा आप रख सकते हैं, लेकिन आज तक दिन लगातार 4-4 घंटे मैं बात करूंगा, उसमें मैंने स्लाइड प्रोजेक्शन बनाए हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर से बड़ी स्क्रीन पर मैं उसको दिखाता हूँ, बाणभट्ट का सूत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका आज के समय में अर्थ क्या है, ऐसा करके। तो खैर कभी भविष्य की बात है, लेकिन आज जो 10 बारे बताया ये आप ध्यान रखिए, इतने से शुरू करिए बहुत लाभ हो जाएगा। अभी आखिरी हिस्सा मेरे व्याख्यान का, कि आपके अपने घर में जो कुछ भी है वो सब औषधि है, इसका ध्यान रखिए हमेशा। भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका औषधीय गुण नहीं है, भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका औषधीय गुण नहीं है। आप जिस घास पर पैर रखे बैठे हैं जिस घास का भी औषधीय गुण है, हर चीज का औषधीय गुण है, क्योंकि इस देश पर सूरज की बहुत मेहरबानी है, सूर्य का प्रकाश भरपूर है, इसलिए जो कुछ उगता है सूर्य के प्रकाश से कुछ ना कुछ विशेषता लिए हुए रहता है। तो अगर आप इसको समझ लें तो चिकित्सा आप खुद कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि खान पान और पथ्य अपथ्य ये दो महत्व के हैं, औषधि तीसरे नंबर पर है। टोटल परसेंटेज में बात करें तो 12% से ज्यादा औषधि का महत्व नहीं है, बाकी 88% जो महत्व है वो खाने पीने का, कैसे खाना, कब खाना, कब नहीं खाना, कितना खाना, कितना नहीं खाना, किसके साथ क्या खाना, किसके साथ क्या नहीं खाना, विरुद्ध आहार की जो बात है ना, ये 81% है आयुर्वेद में, सिर्फ 12% औषधि है। अभी उल्टा हो गया, हम औषधि से ज्यादा पड़ गए, बाकी चीजें हमने गौर करते हैं।
तो मैं आपको कह रहा हूँ कि औषधि को महत्व है लेकिन बहुत नहीं है, इसका ध्यान रखें। ज्यादा महत्व है खान पान का, जो मैंने